2023 आने में और सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है। इंडिया नए साल का शुरुआत में ही कुछ बड़ा करना चाहता है। आप लोग जान लो, ये धमाका कुछ छोटा मोटा धमाका नहीं है, ये धमाका होगा हाइपरसोनिक धमाका। एकदम सही सुन रहे हैं आप लोग, हाइपरसोनिक धमाका। इनमें आप लोग देख ही सकते हो, इंडिया ने एक नया नो टर्म वार्निंग जारी किया है बंगाल की तट पर। और आप लोगों को तो पता ही है नो टर्म वार्निंग कब जारी किया जाता है, जब भारत कोई मिसाइल का टेस्ट करने वाला है तब नो टर्म वार्निंग जारी किया जाता है। दोस्तों, इंडिया ने यही कहा है नो टर्म वार्निंग बंगाल की तट पर 4 जनवरी से 6 जनवरी तक जारी रहेगा। हालांकि पहले की तरह इस पर भी इंडिया ने ये नहीं कहा है कि इस तरह का फ्लाइंग टेस्ट होगा। हालांकि नो टर्म वार्निंग को देख के स्कूल एक्सपर्ट लोग ये कह रहे हैं भारत कोई स्पेशल मिसाइल का टेस्ट करना चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, भारत कुछ वक्त से ही हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोस्ट्रेशन वर्टिकल मतलब DSTDV के ऊपर काम कर रहा है। आप लोग एक तरह से इसको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का टेस्ट भी कह सकते हैं। और इस HSTDV का यूज करके इंडिया अलग अलग तरीके का हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है प्रोजेक्ट विष्णु के ऊपर। और ये प्रोजेक्ट विष्णु क्या है, मैं वीडियो का अंत में ये बता रहा हूँ। अभी तक ये समझ लो, HSTDV तैयार होने के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करना बहुत ही आसान हो जाएगा। एक्सपर्ट लोग ये कहते हैं भारत जब HSTDV का पहली बार टेस्ट किया था तब सिर्फ 20 सेकंड के लिए ये टेस्ट किया गया था। उस समय ये 2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड में छुआ था। इस बार का टेस्ट थोड़ा अलग होगा। इंडिया इस बार लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए इसका टेस्ट करेगा, मतलब ज़्यादा समय तक इसको उड़ाया जाएगा, इसका अंतिम क्षमता तक। जब हम लोग इसको 20 सेकंड के लिए उड़ाया था तब ये बहुत अच्छे से काम कर रहा था, परंतु इस बार लॉन्गर ड्यूरेशन होगा, मतलब HSTDV को इस बार बहुत ज़्यादा समय के लिए उड़ाया जाएगा। इसी वजह से इसके ऊपर इस बार बहुत प्रेशर भी रहेगा। इसी वजह से कहा ये जा रहा है इसको इस बार पास या फेल होने का चांस 50-50 रहेगा, क्योंकि हाइपरसोनिक का जो स्पीड होगा वो इसका क्षमता से भी अधिक हो सकता है। मैं बताता हूँ प्रोजेक्ट विष्णु क्या है। असल में इस प्रोजेक्ट विष्णु के दौरान भारत तरह तरह की मल्टीपल हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करेगा। सबसे पहले ऐसा मिसाइल तैयार होगा जो जमीन से जमीन तक हमला करेगा, इसका रेंज थोड़ा कम होगा। इसके बाद दूसरी मिसाइल ऐसा होगा जो नौसेना की जहाज से लॉन्च किया जाएगा, और थर्ड मिसाइल ऐसा होगा जो फाइटर जेट से भी लॉन्च करा जा सकता है। उसके बाद इंडिया लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम करेगा जो बहुत ही दूर तक हमला कर पाएगा। इंडिया HSTDV को यूज सिर्फ हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए नहीं करेगा, इसको मानव कल्याण के लिए भी लगाया जाएगा। दोस्तों, इस हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को लेके आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट पर ज़रूर बताइए।